तूफान है। तो अंग्रेजी में जब हिंदी को लिखते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हम मानते हैं। तो उफान के पढ़ रहे हैं, सो उफान है, उफान कहेंगे तो शायद ज़्यादा समझ आएगा, दिलों में उफान। क्योंकि जो इसका थीम है वो आप जब फिल्म देखेंगे, ये औरतों लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमेशा से होते रहे हैं, ऐसा नहीं कि आजकल, बट कम नहीं हो रहे हैं। सो उसी का एक एस्पेक्ट लेके ये बनाई गई है और बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है। और इस फिल्म का नाम जो है दिलों में उफान, इसका मतलब क्या है और क्या सोच के इसको स्टार्ट किया गया है और पब्लिक के सामने लाया जा रहा है, क्या सोच के पब्लिक से वो सोचा जा रहा है कि लोग इसको कैसे देखेंगे और ये है क्या? इनफैक्ट ये जो शब्द है, हालांकि ये तो बोधगया की धरती है, यहाँ पे तो मैं सुन रही हूँ हिंदी सबकी बहुत बड़ी है, ये उफान है। तो अंग्रेजी में जब हिंदी को लिखते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हम मानते हैं। तो उफान की पढ़ रहे हैं, सो उफान है, उफान कहेंगे तो शायद ज़्यादा समझ आएगा, दिलों में उफान। क्योंकि जो इसका थीम है वो आप जब फिल्म देखेंगे, ये औरतों लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमेशा से होते रहे हैं, ऐसा नहीं कि आजकल, बट कम नहीं हो रहे हैं। सो उसी का एक एस्पेक्ट लेके ये बनाई गई है और बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है, और जिसके बारे में हम सब दुनिया भर में कहीं भी बैठे हों, सब उसके बारे में बहुत फील करते हैं, और जब भी ऐसा होता है शोर मचाते हैं। सो आपके सवाल का जवाब देते हुए कि उसका मतलब जो है दिलों में उफान, कि ऐसा जब भी कहीं होता है तो सबके दिल में ऐसा उफान उठता है कि सबका मन करता है कि हम कुछ कर दें, और उस जोश में थोड़े वो आंदोलन जो भी होते हैं, लेकिन अफसोस थोड़ा सा ये है कि समाज बदलता नहीं है, दोबारा फिर वो हो जाता है। सो वो बात की बात है, पर कहानी जो है ये दिलों में उफान वो है। आजकल जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं और जहाँ पे जब क्राइम होता है तो लोग वीडियो बनाते हैं ना कि मदद करते हैं, yes. तो उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारी जो इंसान को टेक्नोलॉजी मिलती है उसको इस्तेमाल करने के लिए, जबकि हो उलट जाता है कि टेक्नोलॉजी इंसान को इस्तेमाल करने लग जाती है, वो आजकल हो रहा है। और अजीब बात है, और सोचें हम अगर एक एक हम अपने दिमाग में सोचते हैं करते हैं तो अजीब लगता है कि कोई दुख में है कुछ है और हम वीडियो बना रहे हैं, हाउ कैन यू डू दैट, बट स्टिल वी एंड अप डूइंग दैट। क्योंकि लंबी डिस्कशन है कि मोनेटाइजेशन, अब वो जितने व्यूज मिलेंगे उतना पैसा, अब सारी समाज जो है वो उल्टी तरफ चल पड़ा है। पहली बार मैं जितना वर्ष इस धरती पे बिताए हैं उसमें बहुत कुछ देखा है मेरी जनरेशन ने तब्दील होते, और बहुत अजीब लगता है आज सोच के कि आज हमारे भारतवर्ष में, जहाँ दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी थी और जहाँ इतना हम शिक्षा को, गुरु शिष्य परंपरा को वो देते थे, और आज ऐसा हो गया है कि पढ़ाई लिखाई की सबको लगता जरूरत ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए तो हमारे भारतवर्ष में कभी भी नहीं थी। शुरू में जो गुरु शिष्य परंपरा, नौकरी के लिए तो कभी भी पढ़ाई नहीं करते थे, तो सिर्फ पैसा कमाना तो पढ़ाई का मकसद कभी भी नहीं रहा था। लेकिन आज जो है उनको लगता है कि अगर पैसा हमारा यूट्यूब में बन रहा तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो मेरा ख्याल है समाज का पतन की शुरुआत है अगर हम ऐसा करेंगे तो। मैम, पोस्टर में दिखाया गया है कि कुछ आंदोलन का भी दृश्य है, तो थीम क्या है? मैंने जैसे आपको बताया उफान, दिलों में उफान, जब इस किस्म का कुछ होता है, आपको याद है वो दिल्ली वाली लड़की का जब हुआ था हमारा निर्भया का, मैं आई कुड एड्रेस इट विद इंफॉर्मेशन। उफान बेसिकली बवंडर है, जो समुद्र में जो उफान आता है, तो इस फिल्म के माध्यम से लोगों के मन में, आम जनता के मन में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा तनाव है। क्या होता है कि कुछ भी अगेंस्ट वुमेन, जो भी क्राइम होते हैं, उस क्राइम के खिलाफ आप 99.9% लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सबके मन में आक्रोश है। वो बोलते हैं क्यों इनको आप पुलिस में ले जाते हो, केस करते हो, फिर यू नो टाइम बाय कर लेते हैं और फिर वो छूट जाते हैं। तो बेसिकली इस फिल्म के माध्यम से हमने लोगों के मन में जो आक्रोश है उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो 99.9% लोग इस बात से अग्री करेंगे कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। एज ए फिल्म मेकर हमारा काम है जो भी इश्यूज हैं उस इशू को हम आप तक लाएं,
और इसके लिए ऑफकोर्स प्रेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ये इट इज़ अप टू द ऑडियंस, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं. एज ए फिल्म मेकर हमने एक थीम को उठाया, हमें मैं इस बात से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता हूँ जो जो फिल्म हमने बनाई है उसको हम बनाने की आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जी आपका क्वेश्चन, सॉरी आई मिस्ड आउट, उफान का क्या मतलब है? उफान का तो मैंने बताया, जिस तरह से इसमें दिखाया जा रहा है कि आंदोलन हो रहे हैं पोस्टर्स वगैरह में, जी जी, तो ये किस चीज को लेकर, कुछ इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जी. क्या होता है कि इस फिल्म में, चूंकि अब फिल्म आ रही है, अब सिनेपॉलिटी पे भी आ जाएगी, इस फिल्म में एक माइनर लड़की के साथ एक दुर्घटना घटती है. तो जो मैंने बोला कि लोगों के मन में बहुत आक्रोश है, जैसे निर्भया कांड हुआ था, ठीक है, निर्भया हुआ और उसके बाद हजारों सैकड़ों कांड ऐसे भरे हुए हैं, तो जो लोगों के मन में आक्रोश है, उसी आक्रोश को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से. उसमें जनता जनार्दन का भी सपोर्ट है, इसलिए आप इस तरह की पिक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पे काफी क्राउड को दिखाया जा रहा है. एक पे थोड़ा सा आप सबकी इजाजत से, जितने बैठे हैं, ये तो विषय पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब कोई विषय चुनने के बाद फिल्म बनाते, हमारी जो कहते हैं ना स्ट्रगल शुरू होती है विषय चुनने के बाद, नो कैसे कैसे क्या क्या हुआ. सो मैं चाहूंगी थोड़ी सी हम उस पर बात करें. मैं शुरुआत करके ये कहानी जो थी, एक सुखविंदर सुखविंदर डायरेक्टर थे पंजाब के, उन्होंने ये लिखी, उन्होंने पहले एक बनाई थी फिल्म जिसको काफी इंटरनेशनली अवार्ड वगैरह मिले थे, छोटी लो बजट अपने उसकी. तो उन्होंने ये विषय लिया और उसके ऊपर पूरी कहानी बनाई और पूरी शूट, जैसे होता है शूट, आप लोग जानते होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत सालों की मेहनत का बात है. तो वहाँ पे वो पूरा शूट हुआ, गंगानगर में शूट किया हमने, शूट खत्म हुआ, उसके बाद हमारे वो जो डायरेक्टर जिनकी स्टोरी थी, जिनका ब्रेन चाइल्ड था, वो बीमार हो गए और बीमार होके वो बेचारे बच नहीं पाए. तो उसके बाद ये फिल्म हमें लगता था कभी रिलीज नहीं हो पाएगी. उसमें विक्रम जी प्रोड्यूसर भी थे और इन्होंने एक्ट किया था, और कुछ महीने बाद देन ही टुक इट अप. और मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जब उन्होंने लिखा बनाया और उसके बाद आपने जब लेके, आपका कैसा स्ट्रगल था उस चीज को पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुई थी अभी, खाली शूटिंग खत्म हुई थी. तो आपने उसके बाद उसको किस तरीके से सोचा कि मैं इसको लूं और कैसे उसको इस स्थिति तक पहुंचाया कि उसका इतना बढ़िया प्रीमियर भी हुआ बॉम्बे में? तो बॉम्बे में जी ऐसा था कि ये फिल्म, जब स्टोरी मुझे बताई गई, मैं स्टोरी से बहुत कनेक्ट कर रहा था, तो आई वाज ऑन कि वी विल मेक दिस फिल्म. हम लोगों ने ये फिल्म बनाई इमिडिएटली. और इसी दौरान कोविड में जानते हैं सबके साथ क्या क्या हुआ था, तो सुखविंदर साहब जो थे डायरेक्टर थे वो गुजर गए. उनके बाद सारा कुछ एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ मेरे जिम्मे आ गया था. तो आई हैड टू हायर यू नो सेलेक्ट सम वेरी टेक्निकली स्किल्ड पीपल. मैंने एक बहुत अच्छे लोगों की टीम बनाई, फिर हम लोगों ने पोस्ट में बड़ी मेहनत की, एडिट की, री एडिट किया, और फाइनली यू नो वी वॉन्टेड टू इंश्योर कि फिल्म की क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़े. और चूंकि डायरेक्टर नहीं थे तो उनके विजन को एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो समहाउ आप लोग डिसाइड करेंगे कि फिल्म कैसी बनी है. हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की फिल्म को इस लेवल पर लाने की. मैम बहुत दिनों से आपको लोग पर्दे पे नहीं देख रहे थे इस फिल्म में आकर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो वैसे मुझे शिकायत है, अगर आप कहते नहीं देख रहे थे तो आपने क्यों नहीं देखा, काम तो मेरा बहुत आया है अभी भी बहुत है, वेब सीरीज में बहुत है, फिल्म्स में है, नहीं देखा है तो प्लीज देखिए. कालकूट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था और भी काफी है. बट हाँ, इस फिल्म का बॉम्बे में हुआ और बॉम्बे में, क्योंकि हम बता रहे हैं, हम कलाकार जो जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े थे, जब वो सुखविंदर जी चले गए हमें लगा ये काम गया, लेकिन उसके बाद मैंने एडिटिंग में भी देखा, लगा ठीक था. और जिस दिन बॉम्बे में हुआ, मैं अपने काफी कुछ अपने फिल्म के दोस्तों को भी ले गई थी और सबको बहुत मजेदार लगी और बहुत अच्छी लगी. और मुझे तो ऐसी खुशी हुई जैसे कोई कहते ना घुमा हुआ बच्चा मिल जाता है वापस, ऐसा लगा कि अच्छा ये फिल्म इतने ठीक रूप से आ गई है सामने. बाकी हम अपने काम के बारे में क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छा काम किया. देखने के बाद क्या लगता है कि लोगों के का मेंटालिटी जो है कुछ बदलेगा? देखिए अगर मैं सच बोलूं, मेंटालिटी तब बदलेगी अगर हम सब लोग बदल जाएंगे. एक फिल्म में कहूँ सारे समाज की मेंटालिटी बदल दे, कोशिश यही होती है. कोई भी कविता लिखता है, कहानी लिखता है, फिल्म बनाता है, कोशिश यही है.
जो आंदोलन भी करते हैं सबकी है, लेकिन वो नहीं बदल पाती वो, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि बाकी बदलें, हम अगर सब लोग खुद बदल जाएंगे तो शायद बदल जाएगा। कोई फिल्म का डायलॉग मैम जो आपको पसंद है? इस फिल्म का, इसको तो 4 साल हो गए हमें बनाए, मेरा तो मास्टर रानी का काम है डायलॉग है, सच मुझे कोई एग्जैक्ट वाला याद नहीं है, अब फिल्म देखेंगे तो वो है कि कैसे लड़कियों के थ्रू इनका हर दिन काम होता है, नए डायलॉग्स, नए सेट्स, इसके बाद कोई ऐसा डायलॉग तो नहीं है। OTT किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है? अभी हंगामा पे आ रही है, हंगामा रिलीज हुई 28। मैम इसमें आप महेंद्र सिंह धोनी की माँ के किरदार निभा चुकी हैं, तो ये फिल्म तो काफ़ी लोकप्रिय रही, तो कुछ उसकी यादें शेयर कर दीजिए। धोनी की, हाँ वो फिल्म इनफैक्ट मेरे मुंबई शिफ्ट करने के बाद पहली फिल्म थी, और वो फिल्म इतनी अच्छी क्योंकि उस पर काम बहुत हुआ हुआ था पूरी, क्योंकि फिल्म जैसे सामने आती है और शूटिंग होने से पहले सालों काम होता है उस पर, सो नीरज पांडे जी की टीम पूरी बहुत अच्छा काम हुआ हुआ। आपका डायलॉग था मैम उसमें कि इसे पूरा कर लेने दीजिए, कोई ऐसा कुछ ऐसा था? हाँ वो आजकल बड़ा चलता है कि इस गेम्स में भी वो लगाते हैं उसका, यस वो बहुत पॉपुलर हुई, और क्योंकि उसमें शायद क्रिकेट और फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत बनी थी, सो यस ये अच्छी बात भी है कलाकार के लिए कि वो काम याद होता है, पर लगता है उस तरह का और भी काम याद हो, यस तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।